जेएलएन अस्पताल का किया गया निरीक्षण, संभागायुक्त की अध्यक्षता में किया गया निरीक्षण, बैठक भी हुई आयोजित, कई तरह की सुविधाएं की जाएगी अस्पताल में। संभागायुक्त हनुमान साहिब मीणा की अध्यक्षता में आज जेएलएन अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर गौरव गोयल भी मौजूद थे। वार्डों में सुविधाओं का जायजा लिया गया। इसके पश्चात एक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल में सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया ताकि हर समय अस्पताल साफ रहे। साथ ही अस्पताल में कई तकनीकी मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आज जेएलएन हॉस्पिटल का विजिट किया गया और साथ ही मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय संभागायुक्त जी की अध्यक्षता में और प्रिंसिपल साहब, सुपरिंटेंडेंट साहब, सभी कंसर्न डॉक्टर्स, डिपार्टमेंट के अधिकारी उपस्थित थे। और आज अस्पताल के प्रभावी संचालन और मरीजों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें मुख्य रूप से अस्पताल में सफाई व्यवस्था, हाइजीन और हेल्थ को देखते हुए इम्प्रूव करने के लिए जो नेशनल गाइडलाइंस हैं फॉर क्लीन हॉस्पिटल्स, उसके तरफ आगे बढ़ते हुए वर्तमान में जो 70 सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर 210 करने का निर्णय लिया गया है। लगभग 3 गुना ये की जाएगी। इसी माह टेंडर जारी हो जाएंगे जिससे कि 24 घंटे अस्पताल में सफाई रख सके। इसके साथ लगभग 5 करोड़ रुपए के विभिन्न विभागों के डिपार्टमेंट्स के जो प्रपोजल्स थे, जो अलग अलग इक्विपमेंट्स और फर्नीचर क्रय करने के, उनकी स्वीकृति दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि जो कैजुअल्टी वार्ड है, जो नया रेनोवेट हो रहा है गेल के सहयोग से CSR में, उस कैजुअल्टी वार्ड में एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा माइनिंग और माइनिंग रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनसे प्रभावित मरीजों के लिए। तो उसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए के मॉडर्न इक्विपमेंट्स MRS सोसाइटी के माध्यम से दिए जाएंगे। साथ ही डॉक्टर रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर टंडन द्वारा जो ब्रेकोथेरेपी सेंटर बनाया गया उसका भी विजिट किया गया। मशीन्स वगैरह सब ब्रेकोथेरेपी बन के तैयार है। सेंटर शीघ्र ही सेंटर क्रियान्वित हो उसके लिए जो परमिशन्स आनी है उसके बारे में भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।